बच्चों, हम लोगों ने कल बात किया था ये क्वेश्चन नंबर 51 का। इस 51 में हमने कहा था कि हमारे पास एंट्रेंस फीस हम लोगों ने यहाँ लिख रखा था रिसिप्टेंट पेमेंट में। वो एंट्रेंस फीस एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया है एंट्रेंस फीस वाला। ठीक है, आपको एंट्रेंस फीस नहीं लिखना है, एंट्रेंस फीस आपको नहीं लिखना है। तो हमारा जो आंसर था कल का ये बिल्कुल परफेक्ट था, या एंट्रेंस फीस नहीं लिखना है। आपका 13150 सरप्लस आएगा, और सरप्लस आप जब अपने बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे तो ये 13150 ही आएगा, 71550, ये इसका बैलेंस शीट का टोटल करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट था, उसमें एंट्रेंस फीस गिवन ही नहीं था। ठीक है बच्चों, आज के इस लेसन में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 53 और 54। और मैंने कल कुछ बच्चों को कहा था, सभी को कहा था कि आपको 53 54 ट्राई करना है। मैं डेली दो दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो मुझे महक के आंसर्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 के, जो कि बिल्कुल परफेक्ट थे, करेक्ट थे। बाकी और किसी बच्चे के आंसर्स नहीं आए, इसका मतलब किसी और बच्चे ने ट्राई नहीं किया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि आपको डेली दो दो क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस करने, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। मैं तो रोज़ आकर के आपको लेसन दे करके चला जाऊंगा, आप जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जब तक उनको अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब कल से आपके पास केवल चार क्वेश्चन और बचे इस चैप्टर के, 55, 56, 57, 58। चार क्वेश्चंस में हमको 2 दिन चाहिए, हम 2 दिन के बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कम से कम ये चार क्वेश्चंस तो अपने हाथों से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक सेकेंड, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 में आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, बनाना क्या है, इससे आपको दो चीज़ें बनानी है। एक तो बैलेंस शीट बनानी है, देखिए आपके पास पीछे क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और आपको इसी के साथ बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बच्चों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ उसको। देखिए जी, इसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड, बैलेंस बीडी है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। फिर डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, लेगेसीज डोनेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। चैरिटी है, सेल रेंट एंड टैक्सेस है, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों कैश, और ये कैश का बैलेंस नहीं, ये वाला बैंक का बैलेंस है। ठीक है, ये बैंक कर देना इसको, 31 मार्च 2020 का ये बैंक बैलेंस है। ठीक है, अब आपके पास इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा टर्म। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट वाली टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये दोनों कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, बनाएंगे जब लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन आते हैं फर्नीचर वाला, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट का है, मतलब अगर मैं देखूँ तो ये तीनों ही बैलेंस शीट के हैं, ये जो तीनों है ना, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और कैश, ये तीनों बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है, अभी तक तो यही बैलेंस शीट के आइटम है, अब अपन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने को पता चलेगा। तो अपने पास जनरली इसके अलावा जो गिवन है, ये आपके पास डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लेगेसीज। लेगेसीज के लिए ना देखना पड़ेगा, आपके पास एडजस्टमेंट में हो सकता है ये गिवन आ गए आ जाए कि आपने लेगेसीज जो है वो कैपिटलाइज करनी है। तो ये जब आएगा तब देखेंगे, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ये है या नहीं है, बट इसको देखेंगे। अपन आते हैं इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये आपके पास आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, चैरिटी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे आइटम्स आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स हैं। तो ये क्लियर होता है पहले, इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे आगे, इसके आगे और इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास। तो आपको इसने पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास वो आपने 31 जुलाई 2019 से पे की है, ये वाली चीज़ को देखना। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विद रेस्पेक्ट ऑफ 1 जुलाई विद इफेक्ट फ्रॉम, लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 से आपने इंश्योरेंस प्रीमियम चुका है। आपको थोड़ा सा ये समझना है बच्चों, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, आईपी लिख रहा हूँ मैं इसको, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इंश्योरेंस प्रीमियम 1 जुलाई 2019 से लेकर अगर लिया गया है, तो याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम का जो प्रीमियम होता है वो 1 साल का जाता है, 1 जुलाई 2019 से लेके ये चुकाया गया होगा 30 जून 2020 तक का। ठीक है, 20 तक का। तो
आपको ये याद रखना है, हम बना रहे 31 मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जो इनकम आएगी या एक्सपेंस आएगा वो केवल 31 मार्च 2020 तक आना चाहिए। तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जो जुलाई से लेके चुकाई है, जुलाई से लेके 30 जून की नहीं लेंगे, केवल जुलाई से लेके 31 मार्च 2020 तक की लेंगे। तो इसमें 3 महीने का आपका प्रीपेड होगा इंश्योरेंस, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अभी। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं हम लोग, पहले इसी को चीज को सॉल्व कर लेते हैं, या एक बार पहले चारों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली चीजें। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 अक्रूड वॉज नॉट रिसीव। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें इंटरेस्ट 11,000 रुपये का मिलना था जो नहीं मिला। अक्रूड वॉज नॉट रिसीव मतलब मिलना था और नहीं मिला। करते हैं इसका ट्रीटमेंट। रेंट 6,000, सैलरी 9,000 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 ये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 के, यानी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। इन रेस्पेक्टिव इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग है ये। और लेगेसी डोनेशन इज टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। अब आ गई बात, ये जो लेगेसी का डोनेशन है ये लाइब्रेरी का ब्लॉक बनवाने के लिए आपको दिया गया है। तो बच्चों याद रखना, अगर ये लाइब्रेरी के ब्लॉक के लिए डोनेशन है तो ये स्पेसिफिक नेचर क्या हो गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन में ये लेगेसीज दिया था, लेगेसीज डोनेशन A180, ये आपका हो गया बैलेंस शीट का आइटम, ये लाइबिलिटी ट्रीट होगी, इसको अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन एक एक ये पढ़ते जाते हैं इसका एडजस्टमेंट, और एक एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 1 जुलाई 2019 तक चुकाया है। तो 1 जुलाई 2019 से चुकाया है, तो अभी हमने बात किया 1 जुलाई 2019 तक, 1 जुलाई 2019 से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 साल कब होता है, 1 जुलाई 2019 से लेके ये होता है 31 30 जून 2020 तक। तो बेटा हमारे पास 2020 तक के डेटा, हमें केवल 31 मार्च 2020 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना है। तो आप देखिएगा 3 महीने का हमारा एडवांस हमने पे कर रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 3 महीने का कैसे कैलकुलेट होगा समझिए, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ये इंश्योरेंस 20,000 रुपये आपने पे किया है। ठीक है, तो 20,000 में से हमको प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ टू इंश्योरेंस 20,000, इसमें से लेस कर रहा हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस। अब 5,000 कैसे निकाला, इसको वर्किंग नोट से दिखा देता हूँ आपको। वर्किंग नोट में छोटा सा कैलकुलेशन किया, 20,000 रुपये पूरे साल का है, 3 महीने का एडवांस है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का एडवांस है। ठीक है, हमें 31 मार्च 2020 तक का ही चाहिए। तो आगे वाले जो 3 महीने अप्रैल मई और जून, वो 3 महीने एडवांस है, उसको हमें हटाना है, ये 5,000 रुपये। ठीक है, ये 5,000 रुपये हम लोग यहाँ से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये सिंपल सा 15,000 रुपये, ये इंश्योरेंस, इसमें से लेस प्रीपेड, ये 15,000 रुपये आ गया। और ये 5,000 रुपये का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस प्रीपेड 5,000 रुपये। क्लियर, फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट है उसके लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपये अक्रूड वॉज नॉट रिसीव। इंटरेस्ट 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे अक्रू किया है, अक्रू हुआ है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। तो बेटा एक बार हम देख लेते हैं, क्या हमारे क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है क्या, यही दिखेगा रिसिप्ट साइड में। तो मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 का तो रिसीव हुआ है। इस 45,000 के अलावा 11,000 रुपये और हमें मिलने थे, याद रखना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनेगा वहां लिखेंगे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000, इसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 11,000 रुपये, टोटल आ जाएगा 56। क्लियर, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड होता है उस रेस्पेक्टिव इनकम में। अब ये 11,000 रुपये क्योंकि हमारी असेट है, हमें मिलना बाकी है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 2,30 के, उसमें ऐड करके लिखेंगे। अभी 2,30 कहाँ से पता चला, देखिएगा अभी समझ में आएगा आपको। ये आपके पास 2,30 की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट 2,30,000 रुपये के आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में, इसी साल आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये 2,30 में आपने 11,000 रुपये ऐड करके दिखा दिया बैलेंस शीट में। तो ये वाली बात क्लियर हो गई क्या, इन्वेस्टमेंट आपने ऐड करके अक्रूड इंटरेस्ट दिखा दिया 2,30 और 11, 2,41 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे हमारा जो थर्ड वाला, इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रेंट है 6,000 का, सैलरी है 9,000 की और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 10,000 का, ये आउटस्टैंडिंग है। एक सेकंड बच्चों, इसके बाद हमारे पास लिखा था थर्ड वाला पॉइंट, रेंट है 6,000 का, सैलरी है 9,000 की और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 10,000 का, ये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 का। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर का ये रेंट, सैलरी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। ये तीनों ही चीज़ें हम लोगों के लिए, अगर आप देखोगे तो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है आपके पास,
रेंट एंड टैक्सेस है ना 32,000, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी दी हुई है सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे, और एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट ऐड कर देंगे अपन। तो अपन देख लेते हैं रेस्पेक्टिव अमाउंट ऐड कर देते हैं। रेंट 32,000 दिया हुआ है, उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो रेंट है 6,000 ऐड कर दिया, वैसे सैलरी दी हुई है 60,000 की, उसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 9,000 हमने ऐड कर दिया। फिर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 45,000, उसमें आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट करंट ईयर का 10,000 हमने ऐड कर दिया। टोटल ये तीनों चीजें हम लोगों ने मार करके बाहर लिख दिया वैल्यू, ठीक है। ये तीनों चीजें जो तीनों आउटस्टैंडिंग है, ये तीनों के तीनों आउटस्टैंडिंग आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग और एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग, तीनों लाइबिलिटी साइड में गिवन है 6,000, 9,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तीनों चीजें लिखने के बाद ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, लेगेसी डोनेशन जो था वो लाइब्रेरी का ब्लॉक बनवाने के लिए दिया था। तो बेटा लाइब्रेरी का ब्लॉक बनवाना एक स्पेसिफिक काम है, और इसके लिए जो आपके पास ये लेगेसी डोनेशन आया 180, ये सीधा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा करंट ईयर की 180। देखिए मैं इसको लेगेसी को आप चाहो तो कैपिटल फंड में भी ऐड करके दिखा सकते हो, और चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। तो हमने कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दिया, जो कि इक्वली बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लाइबिलिटी साइड में आया तो इससे मेरा बाकी के सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बची हुई है, तो बच्चों इन्फॉर्मेशन के लिए पहले तो ये ओपनिंग कैश का और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1/15 और 1/26, ये ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। तो हम इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ये जो कि हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 होगा, यहाँ पे कैश और बैंक मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, दोनों चीजें। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो जो टोटल हमारा 241, ये 241 आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, और ये ओपनिंग कैपिटल आपको पता है हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे ओपनिंग वाली जगह पे लिखते हैं 241, वर्किंग नोट 1 से रेफर कर दिया। इसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन और क्या दी हुई है क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डोनेशन ये हम लोग लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन ये हम लोग लिख रहे हैं, लेगेसीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला भी पॉइंट हो गया, लेगेसीज हो गया, एक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। तो हम बाकी की लिख क्या रहे हैं, तीन चीजें और लिख रहे हैं, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तीनों चीजें हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में पोस्ट कर रहे हैं, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास डेबिट वाला साइड जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पेमेंट वाली साइड में एक चैरिटी लिख लेते हैं, रेंट एंड टैक्सेस हम लिख चुके हैं, सैलरी हम लोग लिख चुके हैं, प्रिंटिंग लिख लेते हैं, पोस्टेज लिख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट हम लोग लिख चुके हैं, इंश्योरेंस हम लोग लिख चुके हैं। तो चैरिटी, प्रिंटिंग और पोस्टेज, ये तीन चीजें हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने डेबिट साइड में लिख दी चैरिटी, और यहाँ से आपको दिखा प्रिंटिंग और पोस्टेज, ठीक है। लास्ट हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में दो तीन चीजें बची, एक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हम लोग लिख चुके हैं असेट साइड में, फर्नीचर 216 का खरीदा है, ये भी बैलेंस शीट में डाल देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक फर्नीचर डालेंगे 216 का, और ये कैश और ये बैंक का बैलेंस है ना 2020 का, नीचे वाला 1/60 बैंक का बैलेंस है। ये तीनों चीजें हम लोग बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। तो आप देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने पहले लिखा कैश 99, बैंक लिखा 160 और फर्नीचर लिखा 216, इन्वेस्टमेंट पहले लिख ही चुके थे। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से सरप्लस निकाला अपन ने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड का टोटल मारा, ये 576 आया, 576 में से आपने यहाँ तक का सारा टोटल लेस किया, 275 भी इंक्लूड है ना, सॉरी 275 इंक्लूड नहीं है, ये 576, इसमें से आपने ये 3,000 तक का सारा इंक्लूड है इसको लेस कर दिया, तो आपके पास आया 275, ये 275 आपका सरप्लस, इस सरप्लस को आपने आपके इनकम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वहाँ पे ऐड कर दिया, और सरप्लस ऐड करते ही आपका जो कैपिटल वाला टोटल आ रहा है 696, तीनों का टोटल, चारों का टोटल हमारा 721, इधर भी 721। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगर आप अपने आप ट्राई भी करते ना, तो आप, मुझे नहीं लगता था कि आप कहीं अटकते, एक केवल लेगेसीज वाले पॉइंट के अलावा, क्योंकि वो आपके पास आया नहीं था अब तक। तो पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी बच्चे के पास डाउट है, तो पहले वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पहले अपने क्लियर कर ले, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे चल रहे हैं। बच्चों अब हम लोग चल रहे हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पे, 54 पे आ जाइए। 54 नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा है दिखने में, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट्स काफी अच्छे हैं। तो 54 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कपिल देव क्लब एफ एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। इसने बोला आपके पास कपिल देव क्लब का आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, और आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है,
और आपको इससे बनाना क्या क्या है, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो छोटा सा है, बिल्कुल तीन तीन आइटम्स दिए हुए हैं, एक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे दिया हुआ है 40,000 और 8% पर एनम है, यानी पूरे साल का हमें 40,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, 8% इंटरेस्ट था वो। तो मुझे नहीं पता अपन ने इन्वेस्टमेंट क्या प्राइस का किया है, ठीक है। तो एक हमें यहाँ से इन्वेस्टमेंट का प्राइस निकालना पड़ेगा, अभी समझाएंगे। एक सैलरीज दी हुई 330 की, स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो हम लोग इसके साथ इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 18-19 फॉर 19-20। पिछले साल हमें इस साल के लिए 20,000 रुपये मिले हैं, तो ये हो गया प्रीपेड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, इसे ऐड करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट इसी के साथ पढ़ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन 660 का दिया हुआ है, पहले 660 हम लोग हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं 660, इसमें ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 20,000 ऐड कर दिया, 680 आ गया। और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको पता है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में हमारी, ये बैलेंस शीट में जाएगा हमारी, हमने बैलेंस शीट में डाले नहीं कि एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है ना, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये। ये हमारी बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 की, ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में बनती है ये। एक चीज क्लियर होता है फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड वाला एडजस्टमेंट, सैलरी हैड बिन पेड फॉर 11 मंथ, सैलरी हमने 11 महीने की ही चुकाई है। तो मुझे आप बताइएगा हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं, आपको सर 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं, तो आपने केवल 11 महीने का ही चुकाया है, तो 1 महीने का क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। तो आप देखिए आपके पास जो सैलरी पेड है ना, ये 11 मंथ की ही है, तो 3,30,000 11 महीने की है, 1 महीने की कितनी आएगी, डिवाइड करके देखेंगे इसको, हमने वर्किंग नोट में शो किया है, आपको दिखा देते हैं वर्किंग नोट इसका बनाया हमने कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 मंथ की कैसे निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1 मंथ 3,30,000 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 30,000 रुपीज, ये 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी। तो सैलरी में जब अपन सैलरीज लिखेंगे 3,30,000 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसमें ऐड करनी आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 करंट ईयर की, टोटल आएगा 360। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हम लोग हमारे बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 वर्किंग नोट 3 से रेफर कर रखा है, ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी बताया आपको, छोटा सा एडजस्टमेंट था। अब लास्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 19, मतलब ओपनिंग स्टॉक ये है 3 लाख का, ठीक है, और 31 मार्च 2020 का ये है 6,50,000, ये है क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का 650, ये 650 है और ये वाला जो है वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, याद करो इससे अपन क्या निकालते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना किया, और आपके पास क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख, या अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 4 लाख रुपए हम लोग लिख रहे हैं। तो आप इसका इस फटाफट से वो देख लीजिए, इसका वर्किंग नोट हमने बना रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट 2 में स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेस किया 4 लाख का, जो हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप उसको लिख सकते थे अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 3 लाख और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 6.5 लाख, तो आपके पास आ जाएगा 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम किया। ये कंज्यूम वाली जो बात आती है ये आप कहाँ लिखोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम डेबिट में आएगा, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 50,000, और ओपनिंग स्टॉक और जो क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट में जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का 650 और ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास ये 3 लाख रुपए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये चीजें तो आपके एडजस्टमेंट्स वाली थी, एडजस्टमेंट्स तो खत्म हो गए हमारे। अब इसके बाद हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है इसको पोस्ट करना होता है। तो बैलेंस पीडी 1,90,000, ये 1,90,000 हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 1,90,000 रुपए, ये हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने वर्किंग नोट 1 में बनाई है यहाँ लिखा हमने कैश का 1,90,000, क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज दी हुई है इसी में डेबिट में, सब्सक्रिप्शन वो हम लोग कर चुके हैं, बैलेंस बीडी कर चुके हैं, एक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 40,000 8% पूरे साल का। तो बेटा आपको 40,000 रुपये का ब्याज मिला और साल का ब्याज 8% था, तो मुझे ये बताओ आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तभी तो पैसा आपके पास इंटरेस्ट में आया होगा। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। अब वो वैल्यू कैसे आएगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जरा समझिएगा इस चीज को। 40,000 मिला है पूरे साल का 8% के हिसाब से, तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। हमारा कैलकुलेशन करने के 2 ट्रिक हैं, एक तो आप अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का एक ट्रिक है, 40,000 जितने रुपए आपको मिले हैं इंटरेस्ट के उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है, तो डिवाइडेड बाय 8 × 100, यानी ऐसे आप इसको डिवाइड कर दो तो 5 लाख आ जाएगा आपके पास। एक तो ये तरीका है,
जो मैंने पहला तरीका लिखा 40,000 × 100/8, ठीक है। यहाँ पैसे भी लिख सकते थे 40,000 × 100/8 कर दो ऐसे, मैंने 8 40 के नीचे लगाया। और अगर आपको ये नहीं समझ आता तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे निकाला इसको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता, हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल देते, इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती, उसका 8% मल्टीप्लाई करके निकालते, ठीक है। इंटरेस्ट आपके पास क्वेश्चन में 40,000 गिवन है, तो मैंने इस इंटरेस्ट की जगह 40,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं पता और × 8/100 है ही। अब मैंने इस इंटरेस्ट वैल्यू को रोक लिया, तो इंटरेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 40,000, ये वाला फिगर, इंटू ये 8/100 था ना, ये इधर आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। पता है आपको ये वाला इक्वल्स टू के, अगर आपके पास राइट हैंड साइड में 8/100 है और इधर दिया हुआ है 40 के, तो मैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ दिया हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इधर ही रोका। और ये 40,000 रुपये LHS वाली साइड में था, LHS से। अब ये 8/100 जो राइट हैंड साइड वाली साइड में था, इक्वल्स टू के उधर वाली साइड में था, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/8 मल्टीप्लाई बाय 100/8, ठीक है। तो मैंने वही किया, 40,000 × 100/8, अगेन 5 लाख आ गया। तो मैंने डायरेक्टली आपको यही वाला फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, कि भाई 40,000 और जो इंटरेस्ट की रेट है उसको उससे डिवाइड मार दो। इंटरेस्ट 8% है तो परसेंट हटता है, ये परसेंट हटेगा यहाँ से तो × 100 लग जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला है, सीधा 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आई। तो बेटा ये हमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा पिछले साल, इसीलिए मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट में 5 लाख लिखा, क्योंकि पिछले साल इन्वेस्ट किया होगा तभी तो इस साल आपको इंटरेस्ट मिला। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 5 लाख आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 5 लाख आएगा, दोनों ही बैलेंस शीट में आएगा। और इंटरेस्ट जो था ना 40,000 इसका, ये सीधा सीधा सा बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, इस पर कोई अक्रूड वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट मेरी चीजें इसमें, अब सिर्फ जो दिया हुआ है सैलरी हमने 330 लिख दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया, बैलेंस ईडी 160 का, ये 160 आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए। खत्म हो गई बात हमारी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं ये 160, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ आपको करना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इनकम साइड का टोटल मारो 720, इसमें से डेबिट साइड वाला यहाँ तक लेस करो, 310 आपका सरप्लस आया, सरप्लस 310 आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर दो। अब कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, कैपिटल फंड आपने ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, ये बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दो, 970 आएगा, और 970 हम लोगों ने रख दिया है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल में, सरप्लस ऐड किया 1280, टोटल दोनों का 13,10,000 आ गया। तो बच्चों बस यही था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 54। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।